Hi guys, welcome back to the channel. सौ रुपए रिव्यू करने वाले हैं Yamaha FZS Fi version 4 Deluxe variant. यहाँ पे कुछ फीचर्स अपग्रेड किए गए हैं जिसके बारे में अपन बात करेंगे. And we'll also talk about क्या वो फीचर्स इनफ हैं? बिकॉज आप लोग देख रहे होंगे यार, कॉम्पिटिशन में आजकल डुअल चैनल ABS है, ये है, वो है, इतनी पावर है, ये सब, मतलब कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो गया है. तो क्या ये गाड़ी अभी भी आपको लेना चाहिए, आज अपन उसके बारे में बात करेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू तिलकराज यामाहा फॉर हेल्पिंग मी आउट. अगर आपको यामाहा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू अवर शोरूम एंड हैव अ लुक. तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से. सबसे पहले मैं आपको यामाहा FZS Fi वर्जन 4 का प्राइस बता देता हूँ. सो इसका एक शोरूम प्राइस है 1,27,400 रुपीज. यहाँ पे द ओवरऑल डिजाइन इज एग्जैक्टली द सेम, बस यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं. मतलब कुछ फीचर्स अपग्रेड हैं, कुछ चेंजेस हैं, और एक चीज तो यार जो कि मेरे को देख के बहुत अच्छी लगी, जो कि पहले अपन बोलते थे ना कि यहाँ पे नोकिया 3310 की स्क्रीन है, वो चीज इम्प्रूव कर दी गई है. तो ये अपन उसके बारे में बात करेंगे. तीन कलर्स यहाँ पे अवेलेबल है. सबसे पहले दिस ग्रे, देन वी हैव रेड एंड देन वी हैव ब्लैक. तो ये तीन कलर्स अवेलेबल है. अब बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है. सबसे पहले यार इस गाड़ी का फ्रंट, ये चीज यार मेरे को इतनी सही लगी. बिकॉज अगर आपको मतलब अभी नॉर्मल वाली FZB अवेलेबल है, यू नीड नॉट गो विद दिस वन अगर आपको नहीं चाहिए तो नॉर्मल वाली भी अवेलेबल है. बट वहां पे आज जो हेडलाइट का डिजाइन है ना, वो देखते साथ ऐसा लगता था कि यार क्या है, मतलब अजीब सा फेस हो जाता था. बट नाउ लुक एट दिस, ये आपके DRLs हैं, LED हेडलाइट, LED टर्न सिग्नल्स को भी आप यहाँ पे LED कर दिया गया है. सो द फ्रंट इज लुकिंग रियली गुड. मतलब वो जो पुराना FZ का लुक था ना, वो माचो वाला लुक, वो अब आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है. तो यहाँ पे आपको मिल जाता है न्यू फ्रंट, जो कि देखने के मामले में यार बहुत सही लग रहा है. सो ये तो चेंजेस है, ये और ये. फिर आते हैं यहाँ पे, सो व्हील सील सेम यार पहले की तरह. ये ब्लू कलर में आपको व्हील्स मिल रहा है, सिंगल चैनल ABS मिलता है. फ्रंट में भी डिस्क है, रियर में भी डिस्क है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, सो ऑल दैट इज सेम. इंजन के बारे में बात की जाए तो इंजन भी एग्जैक्टली सेम है. आपको 149 सीसी का एयर कूल 2-वाल्व इंजन मिलता है. ये प्रोड्यूस करता है 12.4 PS एंड 13.3 NM का टॉर्क. पावर कैसी है, बिकॉज अगर आप कंपटीशन के बारे में बात करोगे तो कंपटीशन में आपको और इससे बहुत ज्यादा पावर देखने को मिलती है. सो क्या यहाँ पे पावर की कमी है, अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे. किक स्टार्ट नहीं मिलता है, नीचे की तरफ आपको एक काउल मिल जाता है, सेंटर स्टैंड. यहाँ पे अपने पास एग्जॉस्ट है जो कि मैं आपको सुनाने वाला हूँ. यहाँ पे आपको क्रोम देखने को मिलता है. Here we have the FZS version 4, so all that is looking really good. Fuel tank की तरफ है, so यहाँ पे आपको 13 liters का fuel tank देखने को मिलता है. Tank mounted key slot है. Fit and finish के मामले में यार कोई भी दिक्कत नहीं है, like everything feels very solid. And अब बात करते हैं इस गाड़ी के instrument cluster के बारे में. So यहाँ पे आपको अब मिलता है Yamaha MT15 का instrument cluster. पहले अपन बोलते थे ना यार यहाँ पे Nokia 3310 की screen दे दी, अब वो वाला मामला नहीं है. यहाँ पे अब मिलता है आपको Yamaha MT15 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यार, जो कि इतना बढ़िया लग रहा है, इतना बड़ा है, रीड करने के मामले में कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ क्लॉक मिलती है या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी. सो एक बार स्टार्ट करता हूँ. सो आपको यहाँ पे कॉल अलर्ट्स, मैसेज अलर्ट्स के सारी चीजें देखने को मिलेंगी. यहाँ पे अपने पास टैकोमीटर है, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे फ्यूल. यू ऑल्सो हैव ट्रैक्शन कंट्रोल नाउ, सो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो. सो और आपको ऑफ करना है, यू कैन टर्न इट ऑफ. बाकी यार ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा, जैसे कभी आप अपहिल जा रहे हो, वहां पे मिट्टी पड़ी हुई है, या फिर कभी आप किसी स्लोप में गाड़ी चढ़ा रहे हो और वहां पे पानी है, तो रियर टायर स्लिप होता है. बट विद ट्रैक्शन कंट्रोल ये सब दिक्कतें नहीं आने वाली है, सो एक बढ़िया बात है. तो ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ओडोमीटर है, ट्रिप ए ट्रिप बी, रियल टाइम माइलेज एवरेज, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है. सो यस, नोकिया 3310 से अब आपको यहाँ पे मिलने वाला है S23 अल्ट्रा. जोक्स असाइड, बट दिस इज लुकिंग वेरी गुड. ये सब चीजें बढ़िया हैं. सीट के बारे में बात करते हैं. सो बोथ फॉर राइडर एंड पिलियन यहाँ पे आपको अच्छी बड़ी सीट देखने को मिलती है. ज्यादा स्टेप अप भी नहीं है, अच्छा स्पेस है, कुशनिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है. सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी. यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स देखने को मिल जाते हैं, प्रॉपर ग्रैब रेल्स हैं. पीछे की तरफ आपको LED टेल लाइट्स मिलती है, LED टर्न सिग्नल्स, मोनोशॉक, 140 सेक्शन का रियर टायर है, एग्जॉस्ट रोड है, मैं आपको सुना रहा हूँ. एक और चीज है यहाँ पे अब आपको मिलने वाला है OBD2 का सपोर्ट. OBD2 क्या है, आप सिर्फ एक स्कैनर, जैसे अपन कार में देखते हैं ना कि स्कैनर लगाया और पता चल जाता है कि गाड़ी में क्या दिक्कत है, वो चीज अब आपको यहाँ पे मिलने वाली है. सो आप स्कैनर लगा के पूरी गाड़ी के बारे में जान सकते हो. सो नाउ वी हैव OBD2 आल्सो. ये आपको यामाहा की सारी मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलने वाला है. यहाँ पे आपको मिल जाता है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर. ये सब चीजें देखने के मामले में मतलब अच्छी मस्कुलर दिखती है.
सेंटर स्टैंड है, यहाँ पे अपने पास साड़ी गार्ड है। सो सारे चेंजेस मैंने आपको बता दिए हैं। पहले से अब आपको यहाँ पे ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, बाकी चलने के मामले में ये गाड़ी कैसी है उसके बारे में बात करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। Let's go. So start करते हैं इसके इंजन से। Right from the start, the pickup is good. Pickup के मामले में यार कोई भी दिक्कत नहीं है। The mid range is very strong. Till 8000 RPM, ये इंजन आपको अच्छे तरीके से पावर देता है। After 8000 RPM, फिर आपको उतनी पावर, उतना पुल फील नहीं होता। But before 8000 RPM, कहीं पे भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार यहाँ पे पावर की कमी है कि वहां पे पावर की कमी है या फिर यहाँ पे मेरे को गियर चेंज करना पड़ रहा है। राइट नाउ वी आर इन फिफ्थ गियर एंड व्हेनेवर आई विल ओपन द थ्रॉटल द बाइक जस्ट गोज। मेरे को ना कोई डाउनशिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। यस, स्पेक शीट में आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ यार यहाँ पे उतनी पावर नहीं है, उतना टॉर्क नहीं है, कॉम्पिटिशन में तो इससे बहुत ज्यादा पावर देखने को मिलती है। बट रियालिटी में जब आप इस गाड़ी को चलाते हो ना, लिटरली यार कहीं पे भी ऐसा कोई पावर की कमी या फिर ये दिक्कत की वो दिक्कत ऐसा कुछ फील नहीं होता है। हाँ, कहीं पे भी आपको एकदम से सडन बर्स्ट ऑफ टॉर्क नहीं मिलने वाला, एकदम से ना वो टॉर्क रश नहीं मिलेगा। बट नॉर्मली यार मतलब सिटी में चला रहे हो, ट्रैफिक में चला रहे हो, हाईवे में चला रहे हो, फिफ्थ गियर में भी अपन चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलाओ। सुबह एक बढ़िया बात है, वहां पे देखो मोर देखा। हाँ, सुबह एक बढ़िया बात है। रिफाइनमेंट के मामले में भी यार यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए एकदम सिल्की स्मूथ इंजन है यार, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इज गुड। हीटिंग के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लच इज वेरी लाइट, आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। द गियर बॉक्स इज सो डैम गुड यार, परफेक्टली शिफ्ट करता है, कभी अटकता नहीं है, प्रॉपर क्लिक है। सो जब भी आप गियर चेंज करोगे आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन होगा, प्रॉपर समझ में आएगा कि हाँ यार मैंने गियर चेंज कर दिया है। सो एक और बढ़िया बात है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सिटिंग पोजीशन इज वेरी कंफर्टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बिग बाइक का फील मिलता है, एक माचो फील मिलता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द हैंडल बार इज नाइस एंड वाइड, सीट अच्छी बड़ी और कंफर्टेबल है आपकी, एक मतलब लगभग अपराइट सिटिंग पोजीशन बनती है। फुटपैक पोजीशन हल्की सी रियर सेट है, बट कंफर्ट के मामले में यार कोई दिक्कत नहीं है। दिस स्लाइटली रियर सेट फुटपैक विल गिव यू अ हिंट ऑफ स्पोर्टीनेस, बट उससे आप कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं होते। एंड इफ यू वांट यू कैन बी अग्रेसिव ऑन दिस मोटरसाइकिल। कंफर्ट अम्फर्ट के मामले में यार कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप एकदम से लीन इन करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलता है 140 सेक्शन का रियर टायर। सो वी हैव अ वाइट टायर एट द रियर, सो दैट इज गुड। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव डुअल डिस्क एंड सिंगल चैनल एबीएस। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। रियर इज ओके, लाइक यूजुअली यार मोटरसाइकिल्स में ना रियर ब्रेक ओके ही रहता है। सो द बाइट इज ओके, द फीडबैक इज ओके, द स्टॉपिंग पावर इज ओके। अब बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट इज ऑल्सो गुड, लाइक द बाइट इज अ लिटिल वेग, बट फीडबैक के मामले में, स्टॉपिंग पावर के मामले में, इन सब चीजों में आपको दिक्कत नहीं होगी। इट्स जस्ट दैट की बाइट जो है ना वो हल्की सी आपको ऐसा लगेगा कि यार उतना बाइट नहीं है, उतना बाइट नहीं है। दैट इज द ओनली थिंग, वो भी मेरे को लग रहा है यार दिस इज अ न्यू व्हीकल। सो नई गाड़ी में यार यूजुअली ये होता है, जैसे जैसे ये गाड़ी चलेगी तो फिर आप ब्रेकिंग और बेटर हो जाएगी, तो वो मेरे को लग रहा है। बाकी अभी द बाइट इज ओके, फीडबैक और स्टॉपिंग पावर के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो द फ्रंट विल गिव यू ग्रेजुअल कम्फर्ट, मतलब है क्या दोनों ही सस्पेंशन यहाँ पे स्टिफर साइड में, बट फ्रंट क्या है वो ग्रेजुअली स्टिफ होता है। सो वहां पे ना आपको इनिशियली कंफर्ट मिल जाता है, फिर डिसेंट कंफर्ट मिल जाता है, फिर वो स्टिफ हो जाता है। बट द रियर वन इज डैम स्टिफ, आप कुछ भी कर लो वो स्टिफ ही रहता है। सो रियर से आपको ज्यादा कंफर्ट नहीं मिलने वाला, बट फ्रंट वन विल गिव यू डिसेंट कंफर्ट। एंड बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस जो यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलती है, जो कॉन्फिडेंस आता है, द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज 136 kg, बट इतने कम वेट
होने के बावजूद यहाँ पे जब आप इस गाड़ी को एकदम से टर्न करते हो या फिर एकदम से कोई क्रॉस विंड में लेके जाते हो या फिर एकदम से कॉर्नर्स को अटैक करते हो, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि यार यहाँ पे ना मतलब स्टेबिलिटी के मामले में दिक्कत है या फिर इतनी हल्की मोटरसाइकिल है तो बाउंस कर रही है कि स्टेबल नहीं है? कुछ नहीं, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो आराम से इसको ऐसे लीन कर दूँ और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम स्टेबल रहती है मोटरसाइकिल। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ स्टिफर सस्पेंशन सेटअप, बट कंफर्ट उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो यू कैन इजीली गेट अराउंड 45 to 50 किलोमीटर पर लीटर, 45 to 50 किलोमीटर पर लीटर कैन बी इजीली अचीव विद दिस मोटरसाइकिल बिकॉज द वेट इज नॉट अलॉट, द पावर इज नॉट लाइक द इंजन इज नॉट रियली हाई रेविंग। सो माइलेज यार यहाँ पे आपको बढ़िया मिलने वाला है, 45 टू 50 किलोमीटर पर लीटर कैन बी इजीली अचीव विद दिस मोटरसाइकिल। और मतलब मैं ये तक कहूंगा कि आप 55 भी निकाल सकते हो, अगर आप डिसेंटली चलाओ तो आप 55 किलोमीटर पर लीटर भी यहाँ पे निकाल सकते हो। सो एक बढ़िया बात है। बाकी यार एवरीथिंग फील्स गुड, फिट एंड फिनिश के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज अ लॉट इजियर नाउ। पहले से अगर मैं कंपेयर करूँ, पहले यार एकदम ऐसे आंख गड़ा के देखना पड़ता था, अब वो दिक्कत नहीं है, आप एक बार में बस नीचे देखिए और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको सामने देखने को मिल जाएगी। सो एक और बढ़िया बात है। सो रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वेरी इजी, फिट एंड फिनिश के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, स्विच गियर क्वालिटी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है, सो एवरीथिंग इज वेरी गुड। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो बात करते हैं आपको यामा FZS-FI वर्जन 4 डीलक्स वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से यार आज भी ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, क्यों और आज भी पता है लोग इसको लेना क्यों पसंद करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको अच्छी पावर देखने को मिलती है। मतलब अगर आप स्पेक शीट में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पे पावर उतनी बढ़िया नहीं है, कॉम्पिटिशन में तो इससे बहुत ज्यादा पावर है, बट जब आप इस गाड़ी को चलाते हो आपको कहीं पे भी पावर के मामले में दिक्कत फील नहीं होती है, ना मिड रेंज में ना टॉप एंड में ना इनिशियली। डेली कम्यूट्स करना है, हाईवे पे जाना है, सिटी में चलाना है, कहीं पे भी आपको पावर के मामले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो पावर इज वेरी गुड। सेकेंडली यार इस गाड़ी की रिलायबिलिटी, आप कहीं पे भी न्यूज नहीं सुनोगे किसके क्लच में दिक्कत आ रही है, कि माइलेज में दिक्कत आ रही है, कि फिट एंड फिनिश में दिक्कत है, कि इसमें दिक्कत है, कुछ नहीं, एवरीथिंग वर्क्स परफेक्टली। एंड उसी की वजह से यार लोग इसको आज भी लेना पसंद करते हैं। अब यहीं पे आ रहा है मैं कंपटीशन के बारे में बात करूं, कंपटीशन में आपके पास डुअल चैनल ABS है, ज्यादा पावर है, ये फीचर है, वो फीचर है, बट अगर आपको एकदम सॉर्टेड प्रोडक्ट चाहिए ना, दिस कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन। बाकी एज एन एंथुजियास्ट मेरे को ऐसा लगता है कि यार यामाहा को यहाँ पे ज्यादा पावर देना चाहिए था। मतलब एंथुजियास्ट लोग तो ज्यादातर खुश होते ही नहीं है, एंथुजियास्ट लोगों का ऐसा रहता है कि ये और हो जाता वो और हो जाता, तो वैसे ही मैं भी हूँ, तो थोड़ी और पावर बढ़ा देते और ये सब चीजें कर देते तो बढ़िया मजा आ जाता, बट नहीं किया गया है। ठीक है, रिलायबिलिटी दैट इज व्हाट यू विल गेट हियर, सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे अब आपको और फीचर्स मिलने वाले हैं, स्क्रीन सुधार दी गई है और ट्रैक्शन कंट्रोल है, सो सेफ्टी यहाँ पे बेटर हो चुकी है। सो अकॉर्डिंग टू मी इफ यू वॉन्ट अ रिलायबल प्रोडक्ट, इफ यू वॉन्ट अ गुड प्रोडक्ट, इफ यू वॉन्ट समथिंग दैट यू कैन लाइक राइड फॉर इयर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम, दिस कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन फॉर यू। सो ये था यामा FZS वर्जन 4 डीलक्स वेरिएंट का रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट आउट डू आपको वीडियो कैसा लगा, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।